हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो रही है। चंद्रशेखर के बाद में भारत के नवे 9th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्होंने 5 वर्ष पूरे किए। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। पीवी नरसिम्हा राव मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले नियोगी ब्राह्मण थे। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये कई भाषाओं के जानकार थे, यानी इन्हें पॉलीग्लॉट भी कहा जाता है, जिसमें संस्कृत, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तथा कई अन्य विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं। पीवी नरसिम्हा राव पॉलीग्लॉट होने के अलावा जब उन्होंने अपनी राजनीति प्रारंभ की तो आजादी से पहले वो आजादी के संग्राम में शामिल भी हुए थे। आजादी के बाद में आंध्र प्रदेश की घरेलू राजनीति को में भी आपने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। MLA रहे वो आंध्र प्रदेश से। इनके बारे में फेमस ये है कि ये अलग अलग क्षेत्रों से MP भी रहे, जिसमें खास करके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, 3 राज्यों से MP बनने वाले भारत के बहुत चुनिंदा MPs में शुमार किए जाते हैं। जून 1991 में चंद्रशेखर की सरकार के गिरने के बाद में जब वे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, उससे पहले वे भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के होम मिनिस्टर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए वो हम सरसरी निगाह से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम घरेलू राजनीति में जो पीवी नरसिम्हा राव ने किया वो LPG रिफॉर्म्स कहलाता है, जिसे जुलाई 1991 के राव मनमोहन मॉडल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, जिसे भारत का आर्थिक स्वतंत्रता का अध्याय भी कहा जाता है। ये वो समय था जब भारत आर्थिक संकट के से ग्रस्त था। भारत की वैदेशिक स्थिति बहुत खराब थी, वैदेशिक व्यापार की स्थिति बहुत खराब थी, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम चरमरा गया था। वैसे में तात्कालिक वाणिज्य मंत्री पी चिदम्बरम, तात्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह तथा तात्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, तीनों ने मिलकर जुलाई 1991 में LPG सुधार किए, जिसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस सुधारों के माध्यम से भारत में लाइसेंस राज की समाप्ति हुई, भारत में लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का एक नया काल प्रारंभ होता है। इन आर्थिक सुधारों के तहत भारत के वित्त बाजार में सुधार करने के लिए सरकार ने नरसिम्हन समिति का गठन किया था, जिसके कहने पर भारत में बैंकों का कंप्यूटराइजेशन हुआ, बैंकों का आधुनिकीकरण हुआ। भारत के कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार में भी बहुत बाधाएं थी। यही वो काल था जब भारत में सिक्योरिटी स्कैम हुआ, जिसे हर्षद मेहता ने अंजाम दिया था। इसी के मद्देनजर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अस्तित्व में आता है, SEBI को पावर्स दिए जाते हैं फेरवानी कमेटी के कहने पर 1992 में। आर्थिक क्षेत्र के अलावा घरेलू क्षेत्र में नरसिम्हा राव की सरकार के सामने कई चुनौतियां आई। उसमें पहली जो चुनौती थी वो थी भारत सरकार के पास में पंचवर्षीय योजनाएं चलाने का पैसा नहीं था, इसलिए 1990 से लेकर 1992 का जो पीरियड था उसे सेकेंड प्लान हॉलिडे के रूप में या दूसरे योजना अवकाश के रूप में मनाया गया, पहला। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना जो नरसिम्हा राव सरकार के समय में घटी वो थी दिसंबर 1992 में कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन। इससे भारत में कई क्षेत्रों में दंगे फैले और इसी के परिणाम स्वरूप मार्च 1993 में मुंबई के विभिन्न स्थानों में ब्लास्ट हुए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 1993 में ही भारत के लातूर में, जो महाराष्ट्र में स्थित है, एक भयंकर भूकंप आया, जिसमें करीबन 10,000 लोग मारे गए। यही वह समय था जब पीवी नरसिम्हा राव ने घरेलू राजनीति में डिफेंस और रक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसी के तहत भारत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, जिसके जनक आगे चलकर APJ कलाम भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। विदेश नीति के मामले में भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कई अभूतपूर्व कार्य किए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो पीवी नरसिम्हा राव के समय विदेश नीति के मोर्चे पर हुआ वो था भारत और इजराइल के संबंधों की स्थापना। इससे पहले भारत इजराइल के साथ संबंध सब्सटेंशियली स्थापित नहीं कर पा रहा था, जिसका एक बहुत बड़ा कारण था फिलिस्तीन का मुद्दा। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव इजराइल की यात्रा करते हैं और तब से भारत और इजराइल के बीच में विभिन्न प्रकार के समझौते होते हैं, जो आज भी जारी है, और भारत और इजराइल एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुई वो थी ऐसे पूर्वी देश जिन्हें पहले बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, बाद में एशियन टाइगर्स बन जाते हैं और एशियाई अर्थव्यवस्था के बहुत ही मजबूत स्तंभ बनते हैं, उनकी तरफ भारत अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करता है और लुक ईस्ट पॉलिसी भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आयाम बनती है। तो ये नीति भी पीवी नरसिम्हा राव के समय प्रारंभ हुई। कई और भी महत्वपूर्ण घटनाएं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय हुई, उसमें एक प्रमुख है भारत की तीसरी औद्योगिक नीति 1991 में अस्तित्व में आती है,
जो कि एलपीजी पर ही आधारित थी। घरेलू सुरक्षा से संबंधित रैपिड एक्शन फोर्स भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय 1991 में अस्तित्व में आता है। नरसिम्हा राव की सरकार के समय 1992 में भारत में केबल रेवोल्यूशन होता है और भारत में दूरदर्शन के अलावा कई ऐसे प्राइवेट चैनल भी अस्तित्व में आते हैं जो आगे जाकर एक तरह का एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन का रूप लेते हैं। 1992 में जी टेलीफिल्म्स, जी टीवी स्थापित होता है जो कि भारत में केबल टीवी के आगमन का सूचक है। 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, कश्मीर की घरेलू राजनीति में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अस्तित्व में आती है जो आज भी कश्मीरी घरेलू राजनीति का एक प्रमुख आयाम माना जाता है। वर्ष 1994 में भारत का बैलिस्टिक प्रोग्राम प्रारंभ हो जाता है जिसमें पृथ्वी मिसाइल लॉन्च की जाती है भारत के गणतंत्र दिवस पर। वर्ष 94 ही वे वर्ष है जब भारत में एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन के साथ साथ में कंज्यूमर रेवोल्यूशन भी प्रारंभ होता है। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनती है। वर्ष 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में दिल्ली मेट्रो प्रारंभ होती है, भारत WTO का सदस्य बनता है। 1996 में भारत में चुनाव होते हैं और कांग्रेस चुनावों में पराजित होती है, भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में सत्ता में आती है और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में महत्वपूर्ण बातें इतनी ही। पीवी नरसिम्हा राव की आत्मकथा को द इनसाइडर स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।